हेलो नमस्कार, आपके अपने चैनल पहाड़ी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो तो बताना। तो आप देख रहे हो ना, ये लोकल खीरा है, इसको बोलते हैं जी ककड़ी। आप बताना कि आपके क्या बोलते हैं। हमारे तो यहाँ ककड़ी बोलते हैं इसको। अभी बहुत बड़ी होगी ना ये, तो ये देखो। तो मैं आपको जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है ना गाँव की, उसको मैं बताऊँगी आपको। तो क्या क्या हम लोग क्या क्या करते हैं। तो ये देखो, आप देख रहे हो ना, ये हमारे खेत है, मक्की के खेत। और इनमें ना बार बार आने पड़ता है, क्योंकि यहाँ तोते लगे हुए हैं। और वो तोते ना, वो देखो मक्की को खा रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे को थोड़ा सा मतलब टिंडड़ा बजाने पड़ता है, तो मतलब वो डब्बा कुछ ऐसे चीज़, ताकि ये तोते इधर उधर भाग जाए। तो बहुत नुकसान कर रहे। तो ये देखो, मैं थोड़ा व्यू बता दूँ आपको अपने गांव का और खेतों का। और ये देखो, तो आप देख रहे हो ना, ऐसा ऊपर बनाया हुआ है, लटकाया हुआ है खेत में, और ताकि इसकी आवाज़ से तोते भाग सके। तो ये रहा जी लोकल खीरा, बताया पीछे मैंने। और अब धूप बहुत पड़ गई है ऊपर से, तो मिर्चे लाल मिर्चे हो गई है, देखो ये देख रहे हो ना आप। तो इनको हम तोड़ते, जैसे मतलब पकती रहती है ना, वैसे वैसे हम इसको तोड़ते रहते हैं। तो एक लख्त नहीं पकती है, मतलब कुछ आज पकेगी, कुछ कल पकेगी, कुछ मतलब अब जब पकने लग जाती है ना, तो मतलब थोड़ी थोड़ी करके पकती है। तो आप बताना कि क्या आप लोगों के लिए ऐसा करते हैं। हम तो बस ऐसे निकालते हैं इनको, और तब इनको हम सुखाने रखते हैं। इनकी अगर हो सके टाइम हो किसी के पास ना, तो इनकी मतलब डंडी निकाल लेते हैं। अगर नहीं हो टाइम तो बाद में हम इनको निकालते हैं। तो देखो, इसमें ना घास बेल चढ़ी हुई है, एक पतली सी बेल होती है ना, वो इसके ऊपर चढ़ जाती है और सारे पौधे को ना सुखा देती है। तो ये देखो, ये मिर्चे ना, तो बीच बीच में ये पक रही है। हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के बारो महीने, यहाँ मौसम जाड़ों का क्या कहना के बारो महीने, यहाँ मौसम छाड़ों का। तो ये देखो, ये हरी मिर्चे और ये देखो लगी हुई है थोड़ी थोड़ी करके पकने। तो गांव में ना ऐसे ही छोटे छोटे काम होते हैं, जो मतलब इनको टाइम से करना ही पड़ता है। अगर इनको हम टाइम से नहीं निकालेंगे ना, तो ये ख़राब हो जाएगी। तो ये मैंने बैग ले आया हो ना, तो इस बैग में मैं डाल रही हूँ। और ऊपर से देखो, धूप बहुत धूप हो गई है, क्योंकि मैं घर से ही लेट आई ना निकालने। और तो ये देखो, तो अब ले आके ना इसको हम ऐसे धूप में ना सुखा देते। तो सुखाने रख दिया, देखो ले आके अब बस लेते रहना, और सुखाने, जब सूख जाएगी बिल्कुल, तो इनको हम स्टोरेज कर सकते हैं। और जी ये देखो, मैंने आते आते जब मैं आई ना घर को, तो मैंने अमरूद थे एक दो पके हुए, तो वो भी मैंने लेते आई मैं। तो ऐसे ही गांव में देखो,
नेचुरल फ्रूट हमारे ना कुछ ना कुछ गांव में छोटे छोटे मोटे फ्रूट लगे रहते हैं, कोई कुछ कभी भी कुछ। तो अब हमारे अमरूद भी पकना शुरू हो गए। तो ये है जी अमरूद। तो बताना कि आप लोगों के भी आजकल अमरूद पकना शुरू हो गए। तो अब मक्की लाई थी खेत से, तो ये देखो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं। तो मक्की में भून के कुछ मैंने अपने बेटे को ना, वो छोटा बेटा मेरा परमाणु गया ना चंडीगढ़ गया हुआ, तो परमाणु बड़े बेटे को मैं भेज देती हूँ मला भूज के। ये भुनने लगे हो इनको। तो ये देखो चूल्हे के ऊपर, और अब कुछ मैं कच्ची भेज दूँगी और कुछ मैं भून के भेज दूँगी। तो ये रही जी हमारी मक्की। तो हम तो ऐसे छोटे छोटे काम घर में करते रहते हैं। और तो ये देखो अमरूद मैंने निकाले ना, तो ऐसे पक गए हमारे अमरूद। और तो मैंने मक्की की रोटी बनाई हुई आज, तो कढ़ी बनी हुई थी ना हमारे, और करेले बने हुए थे। तो मैंने सोचा कि सबने बोला कि आज हमने कढ़ी के साथ मक्की की रोटी खानी, तो मक्की की रोटी बनाई। तो आप देख रहे हो ना, ये देखो ऐसे हम बनाते हैं जी गांव में बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आप भी ब्रेकफास्ट करो। तो मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, और बताना कि आजकल आप लोग क्या कर रहे हो। स्वस्थ रहना, व्यस्त रहना और मस्त रहना। मैं भगवान भोले भंडारी से ही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहो खुश रहो और अपना ध्यान रखना, क्योंकि आजकल कोरोना की बीमारी अभी चली हुई है। और बॉइल ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि अब मौसम बदल रहा है ना, तो बॉइल पानी पीना चाहिए। जय किसान, जय हिमाचल, जय